तो हे गाइस, यहाँ पर हम लंच करके आ गए हैं। ये अर्पित का लंच आ गया, देखो फोर व्हीलर से लंच आता है। ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है, हाँ, बीटेक वालों की, हाँ। और ये वाली बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक वालों की, वो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है आर्किटेक्चर वाला। रहता पढ़ता वढ़ता है नहीं और यहाँ खाली बकवास करने आता है। मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? मैं भी सो के उठ गया हूँ मॉर्निंग में, जैसा सबकी लाइफ में होता है मेरी लाइफ में भी हो रहा है। मैं सो के उठा हूँ एंड रेडी होने जा रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक के साथ, और फिर मिलते हैं आपसे रेडी होकर के। तो हे गाइस, अब मैं मॉर्निंग में रेडी हो गया हूँ कॉलेज जाने के लिए। सबकी लाइफ की तरह जैसा स्कूल में होता था सेम वैसा ही यहाँ पे हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रेडी हूँ और चलते हैं कॉलेज की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कैसा आज का ब्लॉग रहता है, कैसा आज का डे रहता है, फिर आपसे मिलते हैं। और शान भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? बढ़िया। रेडी हो कॉलेज के लिए? रेडी एकदम। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, मैं बाहर कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। सो यहाँ पे भी कोई टीचर्स वगैरह फैकल्टी वगैरह नहीं आई, तो हम यहाँ बैठे हैं। सौरभ भाई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आज फिजिक्स का टेस्ट है हम लोग का। क्या है, कैसा है ब्लॉग में आपको फुल इंटरेस्टिंग है, देखिएगा क्या होता है, देखते हैं। ये अपने सौरभ भाई आ रहे हैं, ये अर्पित भाई जा रहे हैं लंच लेने आ रहे हो, लेके हम लोग वेट कर रहे हैं। ये सौरभ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? लंच करने जा रहे हैं। सौरभ भाई यहाँ पे लंच करने जा रहे हैं। कहाँ है भाई? बहुत तेजी से विमान जा रहा है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये लंच टाइम है हम लोग का, तो चलते हैं वहाँ पहले। सेक्शन चेंज हो गया किसका? A3 वाले A में आने लगे हैं। A3 A में आने लगे हैं? तुम्हारा लंच अभी नहीं आया है तो वेट करें अपने लंच के लिए, बाकी सब बच्चे भी अपने कर रहे हैं। ये अमन आ रहे हैं, किस लिए आ रहे भाई लोग? तुम्हारी यहाँ कितनी रेट क्यों है? आखिर रेट क्यों है तुम्हारी? अरे यार, रात में पढ़ने का नशा। ओहो, पढ़ाई का नशा है ये, पढ़ाई का नशा है, मतलब पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग लाइफ में आकर के पढ़ाई का नशा होने की वजह से आंखें लाल करके घूम रहे सब लोग। ये ऐसा वैसा नशा नहीं है कि गलत समझे, ये पढ़ाई का नशा है। बिल्कुल सही कहा। ये अर्पित का लंच आ गया, देखो फोर व्हीलर से लंच आता है। मैं इसमें ये देखो, ये लड़के कितने परेशान लंच के लिए, देखो भाई। ओह ओह, अरे याला हटा दे। कैलकुलेटर खरीद चुके हैं अंकल जी की हमारी दुकान है, तो हमने यहाँ से कैसे कैलकुलेटर खरीदा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, वो यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं सब लोग, ये सारे दोस्त हैं। तो हे गाइस, यहाँ पर हम लंच करके आ गए हैं, ये हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये कैसियो कैलकुलेटर जो हमारा इंजीनियरिंग कैलकुलेटर चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं गया है। तो अर्पित भाई यहाँ बैठे हैं एकदम मस्त से फोटो खींच रहे अपनी, और ये शान है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत शांति प्लेस, मतलब बहुत ही पीसफुल प्लेस है आफ्टर लंच, जहाँ पर आप आ सकते हैं। बहुत सही है, ये हमारा कॉलेज है। एक मिनट रुक, बोलो बोलो। ये हमारे कॉलेज की हाँ, वालों की, हाँ, ये वाली बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक वालों की, वो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है आर्किटेक्चर वालों की, हाँ, उधर उसके पीछे वर्कशॉप है एंड बॉयज हॉस्टल, ये सबसे बढ़िया हमारे काम की बिल्डिंग ये है बीटेक। तो इनका कहने का मतलब ये बीटेक बिल्डिंग है पूरी, वो वहाँ पे है आर्किटेक्चर बिल्डिंग, आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, और ये हमारे यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है, उसी के पीछे वर्कशॉप है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, पेड़ वेड़ लगे हैं इसकी वजह से, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है यहाँ पे, मतलब कॉलेज है तो यहाँ पे बहुत ही कितना पीसफुल यहाँ पे माहौल है, आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं।
हम लोग क्लास में जा रहे हैं। सौरभ लंच वगैरह तुम्हारा हो गया? ये देखो दो दो डब्बे लेके घूम रहे हैं। हम लोग अपनी क्लासेस में जा रहे हैं, इसके बाद चलते हैं, आपके डिपार्चर के टाइम मिलते हैं, काट लेंगे। हमारे मंजीत भाई हैं, सेक्शन A1 में हैं, हम लोग सेक्शन A2 में हैं। मेरा तो, नाम है मंजीत कुमार। हाँ, और मैं सेक्शन A1 और ब्रांच ME, ठीक है। हाँ, मैकेनिकल में, कहने मतलब मैकेनिकल सेक्शन A1 में है। तो मंजीत भाई बताओ, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई ऐसे ही चल रही है, मीडियम। अच्छा, तो कहाँ से हो, कहाँ से हो ये बताओ पहले। मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज जिला। भाई अपना बिहार से आए गोपालगंज जिला से, तो जो भी गोपालगंज जिला से उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ भाई? और क्या मतलब। चलो बढ़िया है। ये भी अपने प्रमोद भाई हैं, ये भी बिहार से हैं, ये अपने भाई, और ये प्रिंस भाई कहाँ से हो? बिहार से हैं। तो तीनों लोग यहाँ बिहार से हैं, गोपालगंज से हैं, हॉस्टल में लाइफ में रह रहे हैं। क्लासेस वगैरह अच्छी चल रही हैं? सब बढ़िया चल रही है। चलो बहुत बढ़िया भाई, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, घर पहुँच के आप लोग से बात करता हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज से बात चुका हूँ और मैं चेंज वगैरह कर चुका हूँ। अब चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ और बाकी रूटीन आपको मैं दिखाता हूँ इस ब्लॉग में। सो मैं यहाँ पे अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर चुका हूँ। जो भी मेरी स्टडी कंप्लीट करनी थी, जो भी मुझे असाइनमेंट वगैरह या मेरा टेस्ट था वो मुझे कंप्लीट करना था, मतलब तो मैंने स्टडी वगैरह कर लिया है। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। ये रहा मेरा फुल डे का रूटीन, कैसा कॉलेज डे रहता है, कैसे आफ्टर कॉलेज डे रहता है, कैसे मतलब होम पे डे रहता है। तो मैंने आपको पूरे ब्लॉग में पूरा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, मिलते हैं बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।